हेलो एवरीवन मैं आपके साथ मनोज वर्मा और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि वो स्ट्रैटेजी के साथ ऑटोमेशन ट्रेडिंग करना चाहते थे तो इस स्ट्रैटेजी के साथ ऑटोमेशन ट्रेडिंग कैसे करी जाए पहले स्ट्रैटेजी के साथ ऑटोमेशन ट्रेडिंग करने का बेनिफिट ये है कि आपको आ, बहुत सारे अलर्ट्स नहीं डालने पड़ते एक ही अलर्ट्स के अंदर आपके सारे काम हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर डायनेमिक होता है सेकंड थिंग आप स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपनी बैक टेस्टिंग भी देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू पे दो चीजें होती हैं है स्ट्रेटजी होती है और एक स्टडी होती है स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है कि आप अपनी बैक टेस्टिंग देख सकते हो कि आपकी स्ट्रेटजी की जो भी आपने इंडिकेटर बनाया है उसकी स्ट्रेटजी अगर आप यूज करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है डाउन क्या है वगैरह वगैरह इसके लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हो जैसे एज ऐगाम्पल मैंने ये स्ट्रेटेजी डाली तो यहां पर स्ट्रेटेजी टेस्टर के अंदर ये स्ट्रेटेजी टेस्टर इसमें बता रहा है कि ट्रेड ली इतने रुपए का लॉस हुआ इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ काफी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। बट इसके साथ पहले ऑटोमेशन ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही थी तो आज इस वीडियो में मैं लाइव डेमो दिखाऊंगा कि इसके साथ आप ऑटोमेशन ट्रेडिंग कैसे करोगे पहले जो था ओनली फॉर इंडिकेटर के साथ आप ऑटोमेशन uh, ट्रेडिंग करते थे अलग अलग अलर्ट डालते थे तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है जो एक डेमो पर्पज से जो Uh, हर कैंडल पे सिग्नल देती है अगर क्लोज ग्रेटर देन ओपन है तो लॉन्ग का सिग्नल देती है क्लोज ग्रेटर लेस देन ओपन है तो शॉर्ट का सिग्नल देती है इस टाइप पे मैंने स्ट्रैटेजी बना रखी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखा दूं आपको इस वेबसाइट पे जाना है हम सात ब्रोकर सपोर्ट करते हैं जिसमें से पांच इंडियन हैं दो इंटरनेशनल हैं आप उनके साथ ट्रेडिंग व्यू के साथ मिलकर ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर सकते हो और आपको उसके लिए साइन अप करना पड़ेगा साइन अप करने के बाद लॉग इन करना पड़ेगा लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पर आपका यूजर नेम दिखेगा आप जैसे इस इसपे क्लिक करोगे आप अपने डैशबोर्ड पर पहुंच जाओगे डैशबोर्ड का यू आप ऊपर देख सकते हो नेक्स्ट लेवल बोर्ड डॉट कॉम स्लैश डैशबोर्ड यह डैशबोर्ड का यू

कि अब वैसे ये स्ट्रेटेजी वाला जो फंडा है जरोधापोक फायर एलेक्स ब्लू बाइनेंस और सैंको ऊपर के जितने भी एक्सचेंज है इन सब पे काम करता है आपको ऐसा नहीं है कि आप खाली उसी पे काम कर सकते हो मतलब जरोधा पे ही काम कर सकते हो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यही चीज फंडा जो है जो मैं आपको डेमो दिखाऊंगा यही आपको सारे ब्रोकर के साथ अप्लाई करना होगा बस एफ को छोड़कर तो अभी आ जाते हैं हम इधर आ, अपने जरोधा अकाउंट पे अगर आप देखोगे तो टोटल 12 ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं जो सुबह मैंने टेस्टिंग के लिए लगाए थे और पोजीशन में जीरो पोजीशन है अब आ जाते हैं हम ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे तो ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे हम पे अगर हमें स्ट्रेटेजी चेक करनी है तो हमें क्या करते हैं हम पंद्रह सेकेंड का टाइम फ्रेम ले लेते ले हैं जिससे हमारा टाइम बचे मैंने पंद्रह सेकेंड का टाइम फ्रेम ले लिया और जैसे टाइम फ्रेम लिया अच्छा ये स्ट्रैटेजी के अंदर क्या है ये सर्वर कुछ बता रहा है एक बार देख लेते हैं लगता है टाइम डिले कुछ ज्यादा हो रहा है सर्वर एक मिनट मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूं स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ इश्यू आ गया जिसकी वजह से वो सर्वर से रिलेटेड कुछ बोल रहा था हाँ अब सही हो गया आई थिंक हाँ जी तो ये बिल्कुल सही हो गई तो स्ट्रैटेजी हमने ऐड कर रखी है इस स्ट्रैटेजी के अंदर क्या है कि आप देखोगे मैंने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट और टीएसएल ऑफ कर रखा है स्ट्रैटेजी के साथ दो तरीके से काम होगा पहला तरीका यह है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर ओनली बाय सेल है आप बाय सेल ही करना चाहते हो ना टीपी ले रहे हो ना एस ले रहे हो ना टी ले रहे हो तो देन आपको किस तरीके से यूज करना है अगर आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर इन इनमें से कुछ भी है टीपी है एस है या टी है तो देन कैसे काम करना है तो मैं वन बाय वन डेमो दूंगा उसके के लिए मैं क्या करता हूं मैं इस कोड को पहले हटा देता हूं जिससे मैं आपको समझा सकूं देखो अब मैं आपको एक क्लियर चीज बता दू ये पीचक्ल साइज जब आपको यूज करना है जब आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर टीपीएसएल या टी एस एल हो इन तीनों में से कुछ भी हो बट अगर आपकी स्ट्रेटजी में खाली लॉन्ग शॉर्ट है तो आपको ये यूज करना अब ये कैसे यूज करना है मैं बता देता हूं सबसे पहले हम अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे डैशबोर्ड पे जाने के बाद सेंटेक्स पे क्लिक करेंगे हमारा सेंटेक्स पेज खुल गया आप किसी भी ब्रोकर का कोड बना सकते हो इंडियन ब्रोकर का तो अभी के लिए हमें क्या करना है अभी के लिए हम जरोधा ले लेते हैं स्ट्रेटजी ओनली रेगुलर ऑर्डर पे काम करेगी ये नहीं कि आप कवर लगाओ ब्रैकेट लगाओ ये ओनली फॉर रेगुलर ऑर्डर के लिए बना रखी है हमने तो आप रेगुलर पे क्लिक करोगे अपना नाम दोगे किस चीज को बाय करना चाहते हो मैं आईओसी कर देता हूँ आईओसी और उसके बाद एन एक क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ ये बाय करना चाहता हूँ मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहता हूँ एम आई एस ऑर्डर है जनरेट कोड स्ट्रेटजी मार्केट कोड पे ही काम करेगी ऐसा नहीं है कि आप लिमिट वगैरह ऑर्डर लगाओ तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी जैसे मैं बता रहा हूँ ये कुछ लिमिटेशन है रेगुलर ऑर्डर यूज कर सकते हो मार्केट ऑर्डर यूज कर सकते हो और जब भी आप इसके साथ काम कर सकते हो ये मैंने सेंटेक्स जनरेट करा कॉपी करा कॉपी करने के बाद मैं इस पेज पे जाऊंगा और इस सेंटेक्स को इंटर पेस्ट कर दूंगा तो मेरा बाय ही होगा पर स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है स्ट्रैटेजी के अंदर सारे सिग्नल होते हैं बाय बी सेल बी बी एस एल बी टी एस एल बी सारे सिग्नल होते हैं तो डायनेमिक करना पड़ेगा डायनेमिक करने के लिए क्या करते हैं हम इस कोड को ऐसे का ऐसा ही कॉपी कर लेते हैं अभी के लिए और नीचे पेस्ट कर देते हैं जिससे आपको दिखे दोनों में डिफरेंट क्या है ये नीचे पेस्ट कर लिया सबसे पहले हम क्या करेंगे इधर जाएंगे और एक अलर्ट्स बनाएंगे स्ट्रैटेजी पे इधर गए इधर स्ट्रैटेजी का नाम है ऑर्डर टेस्टिंग स्ट्रैटेजी मैंने ये नाम रखा है इसको सेलेक्ट करेंगे जैसे हम इसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर ये कुछ कोड आ गया जो सेंटेक्स ट्रेडिंग व्यू की तरफ से आए ऑफिशियल इसे हम कॉपी करेंगे कॉपी करने के बाद इधर जाएंगे और इसको हम है ना ऊपर ही पेस्ट कर देते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए ये हमने पेस्ट कर दिया इसके अंदर सबसे पहले स्ट्रैटेजी का नाम दिया हुआ है तो हम इसे डिलीट मार देते हैं हमारे किसी काम का नहीं है उसके बाद स्ट्रैटेजी का इनपुट दिया गया है कि स्ट्रैटेजी के अंदर क्या क्या इनपुट है हम इसे भी डिलीट मार देते हैं हमारे किसी काम का नहीं है उसके बाद ये ऑर्डर दिया है ऑर्डर के अंदर इन्होंने बताया कि ये इसका सेंटेक्स है ऑर्डर का जिसके अंदर ये एक्शन करता है बाय या सेल ऑटोमेटिक डायनेमिक लेता है तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी उसके बाद इन्होंने बताया कॉन्ट्रैक्ट साइज कॉन्ट्रैक्ट साइज हम डायनेमिक नहीं डालेंगे हम पहले से डालेंगे कि हमें किस कॉन्ट्रैक्ट पे बाय करना है तो हम इसे भी डिलीट मार देते हैं मतलब कितने क्वांटिटी में बाय करना हम डायनेमिक नहीं डालेंगे उसके बाद इन्होंने बता रखा है स्ट्रेटिक पोजीशन इसकी हमें जरूरत पड़ेगी इसकी जरूरत जब पड़ेगी हमें जब अगर हम वो यूज कर रहे होंगे टीपी एसएल या टीएसएल यूज कर रहे होंगे अपनी स्ट्रैटेजी में जब जरूरत पड़ेगी तो ये वाला तो कंपलसरी है कि आपको दोनों में जरूरत पड़ेगी आप विदाउट टीपी यूज कर रहे हो या टीपी के साथ यूज कर रहे हो मैटर बट ये वाला जो है ये जब यूज करना है आपको जब आप टीपी टीपीएसएल या टी यूज कर रहे हो अगर नहीं यूज कर रहे हो तो आपको इसके यूज करने की जरूरत नहीं और कैसे यूज होता है मैं आपको दिखाता हूं पहले हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी ओनली फॉर बाय सेल सिग्नल पे अगर हम बाय सेल सिग्नल कर रहे हैं हमने खाली कोड उठाया है ये आप देख सकते हो ये कोड है इसके अंदर बस डायनेमिक एक्शन डालना है तो हम ये करली ब्रैकेट के साथ कॉपी कर लेंगे ऊपर वाला एक्शन कॉपी करा मैंने और यहां पर जहां बाय लिखा है टीटी मतलब ट्रांजेक्शन टाइप बाय या सेल तो हम इस बाय को डिलीट मारेंगे सिलेक्ट करके और इसको पेस्ट कर देंगे तो ये हमारा डायनेमिक हो गया बाय आएगा तो बाय करेगा सेल आएगा तो सेल करेगा अब बाय और सेल ही करेगा पर अगर अभी हमें इसे कुछ और करवाना है कि भाई पुरानी पोजीशन क्लोज करे नहीं ऐड करे फुल्ली ऑटोमेशन करवाना है तो हमार को ये स्ट्रैटेजी का जो पैरामीटर है इसे कॉपी कर लेना है ये फाइल आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसे कॉपी करने के बाद यहां पर देखोगे कोमा के बाद ना ए लिखा है फिर जरोधा लिखा है ए का मतलब है एप टाइप आपको इस कोमा के आगे इस चीज को डालना है कोमा के आगे डालना है नेक्स्ट में ये मैंने डाला और एक कोमा लगा देना है जिससे ये पैरामीटर अलग अलग हो जाए मैंने कोमा लगा दिया आप देख सकते हो तो अब ये हमारी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बन गई ऑटोमेटिक ये क्या करेगा अगर हमारे पास कोई पुरानी पोजीशन है उसे क्लोज करेगा नई पोजीशन ऐड करेगा जो भी वहां पर आएगी अब मैं क्या करता हूं मैं इसे कॉपी कर लेता हूं कॉपी करने के बाद मैं अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे जाता हूँ और इसको डिलीट मार देता हूं जो इनका ऑफिशियल कोड था उसे डिलीट मारा इधर लिख दिया मैंने टेस्टिंग और ये टेस्टिंग के बदले आप कुछ भी लिख सकते हो लॉन्ग शॉर्ट जो भी आप लिखना चाहते हो एज ए टैग है ये और इसके बाद इंटर मारना है और ये मैंने कोड डाल दिया जैसे मैंने कोड डाला क्रिएट करा क्रिएट करने से पहले यहाँ दिखा दो जरोधा पे कोई भी पोजीशन नहीं है अगर ऑर्डर में जाए तो बारह ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है तो मैं इसे सेव करता हूँ सेव करने के बाद मैं इधर जाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर अभी तक एक अलर्ट्स आया जस्ट अभी एक अलर्ट्स आया ये शॉर्ट का आया है तो यहां पर ये देखिए क्या करा शॉर्ट कर दिया एक पोजीशन से नई पोजीशन पुरानी पोजीशन थी नहीं उसे काटा नहीं और शॉर्ट कर दिया बिल्कुल सही करा तो अभी हम दोबारा जाते हैं इसको बंद करते हैं पहले क्लियर कर देते हैं अब जो भी सिग्नल आएंगे एज एग्जांपल सपोज मानो लॉन्ग का सिग्नल आ जाता है डेमो स्ट्रैटेजी इसका प्रॉफिट एंड लॉस से कोई मतलब नहीं है मैंने बस ये ओपन और हाई मतलब ओपन क्लोज ग्रेटर देन ओपन पे बना रखी है और क्लोज लेस देन ओपन पे बना रखी है इस तरीके से इसके सिग्नल बना रखे जिससे फास्ट फास्ट सिग्नल आए तो अभी इन ने क्या, क्या करा एक पोजीशन ले ली शॉर्ट की इनने चेक करा कि पुरानी पोजीशन है इसे मिली नहीं तो इनने काटा नहीं तो काटा और नई पोजीशन ले ली पर अब क्या होगा अभी हमारे पास शॉर्ट की पोजीशन है अगर अब लॉन्ग का सिग्नल आता है मैं रिपीट कर रहा हूं अगर लॉन्ग का सिग्नल आता है तो इस शॉर्ट को क्लोज करेगा और नई पोजिशन लॉन्ग की डाल देगा इसे कहते हैं फुल्ली ऑटोमेशन और इस ऐसा नहीं है कि आपको बस एक बार एपीआई कनेक्ट करनी है मॉर्निंग में डेली और जब आप मॉर्निंग में एक बार ए कनेक्ट कर देते हो आप अपने पी को बंद कर सकते हो आपके ऑर्डर लगते रहेंगे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ लॉन्ग का सिग्नल आया और यहां पर देखो इन्होंने पुरानी पोजिशन क्लोज करी नई पोजिशन लॉन्ग की डाल दी इसी तरीके से ये पूरे दिन चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक आप इसे रोकोगे नहीं रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा रोकने के लिए आपको इसको स्टॉप करना पड़ेगा एक शॉर्ट आया आपको दिखा दूं इन्हने पुरानी पोजीशन बाय की क्लोज करी शॉर्ट डाल दिया ये चल रहा आपने डेमो देख लिया अभी के लिए मैं इसे ऑफ कर देता हूं क्योंकि ये चलता रह और फिर मैं आगे की वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो ये था विदाउट एंड स्टॉप लॉस जो मैंने अभी तक आपको दिखाया तो इस तरीके से काम करेगा बहुत ही अच्छा काम करेगा बस डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इसमें डायनेमिक क्वांटिटी आपको ऐड नहीं करनी आपको पहले से डिसाइड कर लेना कि आपको कितनी बाय करनी फिर से मैं कोड दिखा देता हूं मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था मेरे को एक क्वांटिटी बाय करनी अगर आप सेंटेक्स पेज पर पे जाओगे तो मैंने यहां क्वांटिटी वन डाली थी और ये वीडियो मैं इतनी डिटेल में इसलिए बना रहा हूं कि आपको समझ आए ये मेरे लिए बहुत ही छोटा माइनर काम है मैं विद इन सेकेंड मतलब कुछ सेकंड में मैं इस चीज को कर सकता हूं पर मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ज्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूं आप समझ सको अब आ जाते हैं हम दूसरी चीज पे चलो हम मान लेते हैं हमारे पास ऐसी स्ट्रेटेजी जिसके अंदर टीपी या एस या टी कुछ भी है एज एग्जाम्पल मैं अपनी स्ट्रेटेजी दिखा देता हूँ इस्ट्रेटेजी के अंदर मैंने ये चीज ऑफ कर रखी है अब ऑन कर देता हूँ ये मैंने नन कर रखी थी ये परसेंटेज टे, टेक प्रॉफिट ऐड कर दिया मैंने 1.1 का का और स्टॉप लॉस ऐड कर दिया अब आप देखोगे कुछ डॉट आ रही है ग्रीन डॉट और रेड डॉट तो ये क्या काम कर रही है अगर लॉन्ग साइड जो नीचे लॉन्ग साइड के नीचे रेड डॉट है ये स्टॉप लॉस बन जाता है ऊपर वाला टेक प्रॉफिट बन जाता है सपोज मानो मेरी स्ट्रेटेजी के अंदर Uh, मतलब मैं जो यूज कर रहा उसमें इस ट्रे, इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी है वो ऐड नहीं कर रहा मैं मैं छोड़ देता हूँ तो मेरी uh, के अंदर या TSL है तो क्या हो तो ये कैसे काम करता है मैं आपको दिखा देता आपको दोबारा से वही कोड जनरेट करना है जैसे हमने करा था ये हमने कोड जनरेट कर लिया और दोबारा से इधर आए और मैं अब ये चीज नीचे दिखा रहा हूं आपको ये मैंने कोड डाला सबसे पहले हमें ये तो डालना ही डालना है ये आपको पता है एक्शन एक्शन के अंदर क्या है बाय सेल तो हमें ये डालना है कहाँ पर टीटी -टी के अंदर तो हम गए बाय पे और हमने चीज को हमें डालना ही डालना है तो हमने क्या करा हमने इसको कॉपी करा और इसको टीटी -टी के अंदर डाल दिया ये हम बाय लिखा है टीटी स्कोल बाय हमने इसे डाल दिया अब ये हो गया हमारा डायनेमिक बट अगर हमें टी एस एल टीपी या एस एल लेना है तो पहले हमने क्या यूज करा था खाली हमने स्ट्रेटेजी यूज करी थी अब मैं इस कोड को पूरा कॉपी कर लेता हूं ए, ये इधर गया इस कोमा को भी हटा देता हूं तो अब आपको क्या करना है अब आपको पी साइज भी डालना है पी साइज कैसे डालना वो समझा देता हूं पहले हम पी साइज लेंगे इसे नीचे डालेंगे इसके आगे एक कोमा लगाएंगे फिर हम स्ट्रैटेजी वाला कोड लेंगे और इसके आगे कोमा कोमा तो लगा रखा है इधर डाल देंगे और इसके भी आगे कोमा लगा देंगे जिससे हमें कोड के अंदर जब डाले तो कोमा लगाने की जरूरत ना पड़े आपको आसानी होगी अब आपको क्या करना है जो जेड है जेड के आगे पोजीशन साइज डालना है ठीक है जी ये हमने कॉपी करा और इस जेट के आगे जैट के आगे डालना है बिल्कुल देख लो मैं कहां पर डाल रहा हूँ ये डाल दिया मैंने डायनेमिक और ये डायनेमिक डालने के बाद इसे कॉपी करना है और इसको आपको अपने ऑर्डर टाइप के अंदर डाल देना है मैंने डाल दिया अगर आप देखोगे तो ये इस कोमा के बाद मैंने पी साइज को पूरा ऐड कर दिया अब ये कैसे काम करेगा मैं थोड़ा सा बता देता हूं अगर पहले मैं अपनी पोजीशन दिखाऊं एक शॉर्ट की पोजीशन है ओनली ऑर्डर के अंदर अगर देखोगे सत्रह ऑर्डर हो गए हैं और अब आते हैं हम अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे तो अब हम इधर से फिर से लगाएंगे अलर्ट्स तो अलर्ट्स बनाने के लिए इधर गए इंडिकेटर का नाम स्ट्रेटजी का नाम लिए टेस्टिंग और इधर से हमने इसे रिमूव करा ऑफिशियल कोड को अच्छा एक बात बतानी भूल गया था ये वेबुक यू आर एल आपको जरूर डालना और आपका वेबुक यू आर एल आपके डैशबोर्ड पे मिलेगा तो ये बेसिक है जो मैंने पहले वीडियो में बता रखे हैं उन चीजों को फॉलो कर लेना अच्छा इधर आए हम इधर आने के बाद फिर से हमने लिख दिया टेस्टिंग कुछ भी लिख सकते हो आप और मैंने ये डाल दिया अब जैसे मैं इसे ऐड करूंगा अब क्या होगा अगर मेरा टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है है तो ये खाली पोजीशन पोजीशन को क्लोज करेगा जो ओल्ड है, नया ऑर्डर नहीं लगाएगा पर अगर मेरा टारगेट हिट नहीं होता है या पोजीशन एसल हिट नहीं होता तो ये वैसे ही काम करेगा जैसे काम कर रहा था पुरानी पोजीशन क्लोज करेगा नई पोजिशन एड करेगा अगर पुरानी पोजिशन है तो तो अभी हम वेट कर लेते हैं कोई सिग्नल का तो अभी तक तो लास्ट सिग्नल जो आया था शॉर्ट का आया था और अगर देखोगे तो शॉर्ट के अंदर हमारी पोजिशन भी एड है तो अब हम वेट करते हैं एक लॉन्ग सिग्नल का या इसके टीपी या टारगेट हिट होने का अच्छा इस स्ट्रेटजी के अंदर थोड़ी सी कमी है जो मैंने सुबह मॉर्निंग में ही बनाई थी तो हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ा सा मतलब सिग्नल के अंदर है ना टारगेट इतना हो पहले ही सिग्नल आ जाए कैलकुलेशन गलत हो रही हो मतलब पहले ही टारगेट इसमें वो दिखा दे टीपी हिट हो गया तो इस चीज़ को इग्नोर करना आप अपनी स्ट्रेटजी में देखना वो सही है या गलत है मेरे में थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हो रखी है मैं अभी दिखा दूंगा क्या कैलकुलेशन गलत है बाद में बात करते हैं अभी हम वेट करते हैं या इसका टारगेट हिट हो तो जैसे कि इधर कुछ हुआ है अभी दिखेगा क्या हुआ है अभी तक हाँ ये टारगेट देखो अभी ये टारगेट हिट भी नहीं हुआ था पर इनने पहले दे दिया कैलकुलेशन इशू है तो अगर आप देखोगे पोजीशन क्लोज ही करी नया ऑर्डर नहीं लगाया क्योंकि टारगेट हिट हो गया है इसलिए नहीं लगा इस चीज को आपको ध्यान रखना तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत है कि इधर इन्हें लाइन को क्रॉस नहीं करा और पहले ही अपना सिग्नल दे दिया इसने तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये कैसे काम करेगा और अब आ जाते हैं हम दोबारा से वेट करते हैं हम सिग्नल का तो जैसे हमारा टारगेट हिट हो गया आपको पता चल गया शॉर्ट का अब क्या सिग्नल आएगा अब लॉन्ग का सिग्नल आएगा तो लॉन्ग के सिग्नल का वेट कर लेते हैं 16 मिनट की वीडियो बन गई है हो सकता है पांच सात मिनट की और बन जाए आपको डैमो दिखाते हुए बट यही चीज आपको फायर जरोधा आप स्टॉक सबके साथ करनी है आप ऐसे ही काम कर सकते हो बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने इस वीडियो में बताया है और देखते हैं हम अब लॉन्ग के सिग्नल का फिर से मैं दिखा दूं पोजीशन के अंदर कोई पोजीशन नहीं है ऑर्डर के अंदर जाएंगे तो 18 ऑर्डर हो चुके हैं तो जैसे कोई सिग्नल आता है हम वेट करते हैं और 15 सेकेंड के टाइम फ्रेम में लगा रखा है हो सकता है ये कैलकुलेशन इसकी वजह से थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है मुझे नहीं पता पर ये मेरी साइड से इशू है आपके मतलब ए, इंडिकेटर जो आप स्ट्रेटजी यूज उस करोगे उसके अंदर आपको देखना है मेरे इंडिकेटर में जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसके अंदर इशू है कि वो पहले ही कैलकुलेट कर ले रहा है कि हाँ टारगेट हिट हो गया पर हिट नहीं हुआ है अगर मैं अव, अपने हिसाब से देखू तो चलते हम वेट करते हैं हम लॉन्ग के सिग्नल का जैसे ही लॉन्ग का सिग्नल आएगा तो ये क्या करेगा पुरानी पोजीशन क्लोज करेगा तो पुरानी तो पोजीशन है ही नहीं तो ये नई पोजीशन ऐड कर देगा तो वेट करते हैं हम बस मैं एक डेमो दिखाऊंगा पांच सात मिनट लगने वाले हैं और ये आया लॉन्ग का सिग्नल यहाँ अलर्ट्स आया और यहाँ लॉन्ग आ गया और अगर आप देखोगे तो इनने एक क्वांटिटी से बाय कर लिया क्वांटिटी हमने एक ही डाली थी इसलिए इनने एक क्वांटिटी से बाय करा अब आपको दिख गया इनने पुरानी काटी है पर इसे मिली नहीं तो इसने काटी नहीं मतलब इफ लगा हुआ है अगर पुरानी पोजीशन है देन काटेगा अदरवाइज नहीं है तो नई पोजीशन तो लगानी ही लगानी है तो हमारी लॉन्ग लग गई अब देखते हैं इसका टारगेट हिट होता है एसएल हिट होता है तो ये खाली स्क्र ऑफ होगी अगर टारगेट हिट नहीं होता शॉर्ट आ जाता है तो इसे काटेगा और नई शॉर्ट डाल देगा तो ये भी डेमो देख लेते हैं अगर आता है बस लास्ट सिग्नल देखना में जो भी आए उसके बाद मैं इस वीडियो को क्लोज कर दूंगा आई होप आपको समझ आया होगा अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं वहाँ जाके आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा एंड वेट करते हैं हम एक और सिग्नल का और काफी टाइम लग रहा है सिग्नल आने में तो अभी जो मैंने परसेंटेज लिया था टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस का 0.1% लिया था अगर आप देखोगे स्ट्रेटजी में जाऊं तो ये देखिए 0.1% 0.1% का मैंने ये लिया था और जिसकी वजह से बहुत पास पास लाइन आ रही है लॉन्ग से भी वन पॉइंट वन परसेंट कैलकुलेट कर, कर रहा है शॉर्ट से भी पॉइंट वन परसेंट कैलकुलेट कर रहा है नो इश्यू अब वेट कर लेते हैं एक चीज का अभी जैसे सिग्नल आता है मैं आपको बताता हूं और एक बार फिर से मैं आपको दिखा दू हमारी लास्ट पोजिशन जो चल रही है लॉन्ग की चल रही है एक क्वांटिटी से और फिर से हम गए अच्छा ये चीजें उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग व्यू को यूज करना जानते हैं या सीखना चाहते हैं अगर आपको ये चीजें नहीं आती आपने कभी ट्रेडिंग व्यू यूज नहीं करा आप जानते नहीं तो आपको काफी प्रॉब्लम होने वाली है तो आप देख लीजिए ये बोर्ड उन्हीं लोगों के लिए है जो पहले से एडवांस हैं तो काफी टाइम लग रहा है शॉर्ट का सिग्नल आने में जैसे ही आता है मैं आपको दिखाता हूं इसीलिए यही वजह है मैं जो भी पहले अपनी वीडियो बनाता था स्टडी uh, के अकॉर्डिंग इंडिकेटर के अकॉर्डिंग ओरिजेंटल लाइन लेता था क्योंकि सिग्नल के लिए बैठना पड़ता है वीडियो हो जाती है लंबी और पचास काम होते हैं पचास फोन आ जाते हैं तो फिर सारी चीजें मैनेज नहीं हो पाती चलो अभी वेट करते हैं बस सिग्नल बनने ही वाला है मुझे लग रहा है और सिग्नल शॉर्ट का बने ना बने मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस uh, या टारगेट हिट हो जाएगा सॉरी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा आई थिंक क्योंकि ये बिल्कुल उसी के पास है कैंडल के पास तो ये चीज़ अब हो गई है काफ़ी लोग ट्रेडिंग पे ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि बहुत अच्छा रेशियो देती है 50 परसेंट फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट तक का प्रॉफिट रेशियो है आ, टू फैक्टर थ्री फैक्टर के साथ वन फैक्टर के साथ वैसे तो काफी सारी आपको रिपेन्ट स्ट्रैटेजी भी मिल जाएगी ध्यान रखना रिपेंट स्ट्रैटेजी यूज नहीं करना दिखती कुछ और है होती कुछ और है तो पहले ही चेक कर लेना वो रिपेंट तो नहीं हो रही अगर रीपेंट हो रही है तो आपको फैक्टर ज्यादा दिखेगा परसेंटेज ज्यादा दिखेगी पर रियलिटी में जब आप काम करने बैठोगे तो आप लॉस में ही होगा क्योंकि वो रिपेंट हो रही है जो अपना डाटा दिखा रही है आपको रिपेंट करके दिखा रही है रिपेंट के अकॉर्डिंग दिखा रही है तो इस चीज का आपको ध्यान रख लेना ट्रेडिंग गूगल पे सर्च करोगे हाउ टू अवॉइड रीपेंट तो आपको काफी सारे मिल जाएंगे कि कैसे पता रीपेंट है, है और कैसे अवॉइड कर सकते हैं अगर आप एज अ कोडर हो एज अ पाइन कोड की नॉलेज रखते हो थोड़ी वो तो आपको आइडिया लग जाएगा तो आई थिंक अब बन जाए इस शॉर्ट का सिग्नल अगर नेक्स्ट कैंडल ये नीचे ही उपर, नहीं ये ऊपर नीचे हो रही है बिल्कुल ही पंद्रह सेकंड का टाइम फ्रेम ले रखा है इसलिए मेरे को प्रॉब्लम हो रही है ये बन गया शॉर्ट का सिग्नल अगर आप देखोगे शॉर्ट का बना तो इन्हें क्या करा पुरानी पोजीशन बाई की क्लोज करी और नई पोजीशन ऐड कर दी आई होप आपको अब आप पता चल गया होगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है पांचों ब्रोकर के साथ आप काम कर सकते हो बाइनेंस के साथ भी इस तरीके से काम कर सकते हो आप और आपको इस चीज में काफी मजा आएगा मतलब पहले तो आप इंडिकेटर पे काम करते थे काफी लोगों की डिमांड थी स्ट्रैटेजी पे काम करना अब इस्ट्रेटेजी पे भी काम कर सकते हो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय